हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेचर जो होता है ना पेंटिंग के लिए, जो पीछे कैनवस जिसके ऊपर स्ट्रेच होता है, तो उस स्ट्रेचर को हम कैसे सेट करते हैं। तो आज मैं इस बारे में नॉलेज दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। जहां तक कि मुझे पता है कि मोस्टली कॉलेजेस में ये चीज नहीं सिखाई जाती है। कैनवस होता है, उस पर करना सिखा देते हैं, लेकिन जो मटेरियल है उसको कैसे यूज करा जाए। देखो, ये स्ट्रेचर है, ऐसी स्टेनर भी आते हैं। स्ट्रेचर स्टेनर में क्या फ़र्क होता है, जो स्ट्रेचर होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर इस तरीके से आपको ऐसे देख रहे हो ना, खांचे टाइप के मिलेंगे, लेकिन जो स्टेनर होगा उसमें ऐसा नहीं होगा। वो डायरेक्ट वुड यूं कटी हुई होगी और डायरेक्ट फिक्स होगी। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये मैं आज आपको बताऊँगा, और क्या क्या मटेरियल आपको यूज़ करना है। देखो, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी BFA MFA कर रहे हैं, MFA वालों को तो मोस्टली पता ही होगा वैसे भी, और नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी हेल्प कर दूंगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक हैमर हमें चाहिए होगा, ठीक है, एक प्लायर चाहिए होगा हमको, और साथ में हमें चाहिए होगी एक गन, एक चाहिए हमें इंची टेप। ओके, तो ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, और एक हमें चाहिए इंची टेप। अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी, जैसे सुतली हो, कोई धागा हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टाइप का धागा जो जिससे हम पेंटिंग हैंग करते हैं ना, नायलोन थ्रेड, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊँगा इसका बहुत बढ़िया यूज़, कि विदाउट स्केल आप कैसे 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे अपने स्ट्रेचर में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अभी हम शुरू करते हैं। ये मेरे पास स्ट्रेचर है, इस स्ट्रेचर का साइज़ जो है 3 फीट बाय 4 फीट का स्ट्रेचर है। तो अभी मैं इसको सेट कर लेता हूँ नीचे। तो देखिए, मैंने ऐसे मार्किंग कर रखी है इसके अंदर। आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेचर के अंदर जो स्ट्रेचर होता है ना, उसके अंदर एक स्लांट होता है। आप देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ, अगर आपको समझ में आ रहा हो, इस तरफ से तो ये फ्लैट होगा, लेकिन इधर से नीचे की तरफ हल्का सा स्लांट होगा, ठीक है। ये वाली जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ आएगा, जहाँ पर कैनवस स्ट्रेच होगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, अच्छे स्ट्रेचर्स जो होंगे उनमें ये चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको। और जो बाकी बेकार स्ट्रेचर जो मिलते हैं, उनमें तो बिल्कुल जैसा फ्लैट इधर है सेम ऐसे इधर होगा। देखो, आपको शायद यहाँ से समझ में आ जाए। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको समझ में आ रहा है, इधर देखिए सीधा, और इधर हल्का सा अंदर की तरफ आपको कर्व दिखाई दे रहा होगा। तो कैनवस जो है ना, यहाँ से टच होकर हल्का सा उठा हुआ रहता है जब स्ट्रेच करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली थी इसकी, मैं इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ। जैसे स्ट्रेचर अगर बने बनाए आप मिल रहे ना, तो आप उन पे ऐसे करके अपनी एक कोडिंग डाल लीजिएगा। जैसे B3 डाल रखा है मैंने, B1 उधर से शुरू हो रहा है, दिखाओ आप बच्चों को थोड़ा ध्यान से ना, जैसे B1, ठीक है ना, शायद आपको दिख रहा होगा मैंने मार्कर से डाल रखा है B1, ये इसी के साथ में एंगल में आएगा, ठीक है ना, B4, और ये B, इसके अंदर मैंने लिख रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर B3, और ये B2, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसको पहले आपने सेट करके रख लेना है, ठीक है, समझ में आ गई। ये बीच का इसका सपोर्ट जो देती है ना कैनवस को, जब हम कैनवस को स्ट्रेच करते हैं ना, कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं बड़े साइज़ के, अगर आप कैनवस यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है ना, ये बैंड हो जाती है लकड़ी, ज़्यादा लंबाई में अगर कैनवस दे रखा है, तो उसके लिए ये सपोर्टर यूज़ करते हैं बीच में जो है, ठीक है। अच्छे स्ट्रेचर्स की बात कर रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के जो स्ट्रेचर्स हैं ना वो, तो उनकी बात करो, उसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं शुरू, के हम इसको कैसे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, देखते रहना है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से, ठीक है, हल्का सा। देखो, ये ऊपर की तरफ, ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कौन सा खांचा कहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको एकदम नहीं के एक बार में पूरा आपने इसको ठोक दिया इधर की तरफ, नहीं, धीरे धीरे, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, देख रहे हो, यहां तक समझ में। अब आप ऐसे ही चारों तरफ से करोगे, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा आपको। अभी ये स्ट्रेचर जो है ना, स्ट्रेचर ये बैक साइड से, ठीक है ना, पीछे की तरफ से, मैं पीछे की तरफ से इसको ठोक रहा हूं, ये सही से एंगल फंसना चाहिए बस आपका,
ये ऐसे नहीं जाएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए ना, अगर मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो नीचे गैप बच रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली अच्छे स्ट्रेचर जो होंगे उसके अंदर आपको ये चीज़ पता चलेगी। अभी इधर की तरफ, अभी देखते रहिए कि मैंने भी पूरी तरह से इसको जो है अंदर की तरफ नहीं करा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अभी रोक के चल रहा हूँ। अच्छा, अभी बीच में सपोर्ट भी आ रहा है तो हम इस सपोर्ट को भी इधर लगा के चलेंगे। और अगर आप अकेले कर रहे हैं, अगर अकेले आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी अपने फ्रेंड की या किसी की फैमिली में कोई होगा, घर पे कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, तो किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। मोस्टली गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी की हेल्प ले लीजिए, और अगर कोई या लड़का है कोई कॉलेज का नहीं समझ में, तो अपने दोस्तों की किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देखिए चारों तरफ से, इधर का एंगल, अब यहाँ तक हमारा हो गया काम, ठीक है। अब मैं इसको स्ट्रेचर को क्या करूँगा, इसको इस स्ट्रेचर को मैं अभी खड़ा कर लूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ तक तो हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है गाइस, और इस वीडियो के साथ मैं बने रहिए, पूरी अच्छे से डिटेलिंग में मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अब आप ऐसे ठोकते चले जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसको एक बार, मैं पूरा भी इसको नहीं कर रहा हूं। देखो इधर दिखाओ आप, यहां से पीछे से, पीछे से देखो गाइस, ये देखो ये कॉर्नर आगे भाग गया ना, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये आगे की तरफ भाग गया कॉर्नर। अब मैं इस कॉर्नर को थोड़ा सा बाहर निकालो, और इधर देख लो। तो भाई रेयर ही किसी कॉलेज में, हमें तो सिखाया नहीं था ये सब चीज़ें, मैं सच बात बताऊं कॉलेज के अंदर, और ये जो मैंने सीखा है अपने उस्तादों से, अपने गुरुओं से मैंने ये ज्ञान लिया है, उनकी बदौलत मेरे को ये सब नॉलेज मिली है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेचर खोलना कैसे है, उसको बांधना कैसे है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग से, जैसे ये वाली पेंटिंग है, ठीक है, वो बड़ी पेंटिंग है, ये बड़ी पेंटिंग है। अब क्या इसको ले जाने में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हमारा जो है कन्वेंस लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको खोला, उसको रोल करा, और दोनों चीज़ें बांधे, और ऐसे बगल में दबाया और चल दिए तो ठीक है। अब देखो स्ट्रेचर की फॉर्म ले रहा है, धीरे धीरे, ये नहीं कि एक बार में दबा दब आपने ठोक डाला वो, नो ऐसे नहीं करना। एंगल एकदम अपनी तरफ से बना के चलना है आपने, ठीक है। अब ये हो चुका है रेडी, अब हम इसको यहाँ रखेंगे नीचे। यार वायरलेस माइक की बहुत ज़रूरत है मुझे, पर मेरे पास पैसा नहीं है वही बात नहीं, ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक एक तरह से फिक्स हो गया, अब क्या करना है हमें, स्ट्रेचर तो हमने कर लिया है फिक्स, ठीक है, अब इसका हमें एंगल निकालना है, लाइक 90 डिग्री का एंगल भी तो चाहिए। ये थोड़ी कि स्ट्रेचर ऐसे कर दिया काजू कतली की तरह, तुमने समझ गए जैसे शेप होती है ना काजू कतली की, तो वो नहीं होना चाहिए 90 डिग्री का। अब ये निकालेंगे हम कैसे, या तो हमारे पास में हो इंच टेप, ठीक है। अब इंच टेप का मैं देखो, जो मेरे उस्तादों ने, मेरे गुरुओं ने जो मेरे को सिखाया है, मैं उस तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है। कॉर्नर पर यहाँ पर लगाया आपने, ठीक है, इधर 5 फीट दिखा रहा है ना, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसे फिंगर टच कर लिए एकदम नीचे इसके, देख रहे हो आप, टाइटली,
देख रहे हो ना आप, इस तरीके से मैंने नीचे की तरफ फिंगर टच कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेम ऐसे लेके जाऊँगा। अगर इसमें कोई फर्क होगा ना छोटा बड़ा, तो यहाँ दिखाई दे जाएगा। देखो नीचे गैप ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, इधर से ये देखो कितना दिख रहा है ना। तो यानी कि उस तरफ से ये दबेगा अंदर की तरफ, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा आ रहा है। यहाँ तक देखो ये गैप दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा कुछ इस तरीके से, जब तक ये आपका एकदम सेट ना बैठ जाए ना। अगर आपके पास में इंची टेप नहीं है तो हम यूज़ करेंगे धागे का, ठीक है। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, उधर बिल्कुल टच कर लो उसको यहाँ से, ठीक है। अब तुम इधर आ जाओ, धागा एकदम टाइट है। अच्छा धागा भी कैसा होना चाहिए उसमें ना, ऐसे वो नहीं, फ्लैक्सीबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इलास्टिकनेस नहीं होनी चाहिए उस धागे थ्रेड के अंदर, बिल्कुल टाइट। या तो सुतली बोलते हैं ना जो प्लास्टिक का एक आता, वो बेस्ट रहेगा और मोस्टली मिल जाएगा अगर नहीं है इंची टेप। तो ऐसे हमने यहाँ से टच लिया, ठीक है, किसी की हेल्प ले लेना। अब सेम एज वहीं से वहीं आप इधर ले आओ उसको, ठीक है ना। तो खींच रखा है ना आपने, हैं, ये हुआ। अब आ जाओ, अब टच करना, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके भी हम अब इधर से थोड़ा सा अंदर, जहाँ से बड़ा हो ना वहाँ से हल्का सा भीज दो इसको। अब इसको हटा लो आप, एक बार मैं इससे नापता हूँ, इसको पकड़ लेने यहाँ पर। स्ट्रेचर का ये ना साइज बड़ा है, देखो 5 फीट आ रहा है एकदम। अब आप इधर लगाओ, एकदम ओके आ गया, एकदम ओके आ गया, देखो 5 ही 5। अब क्या करेंगे, अब इसको छेड़ना नहीं, तो इसको आपने क्या करना है, अभी छेड़ना नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप दिखाओ नीचे, यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से इसको रही सही जो कसर है ना इसकी, ठीक है। सारे देखो यहां पर गैप बन गया, दोबारा इंची टेप दो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें भी आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना खाली डिग्री करना ही नहीं हो जाता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती है, ये आप अपने गुरुओं से ही सीखो। और आज के कॉलेजेस तो देखो क्या हो रहे हैं कि बस पूछो मत, मेरा तो मन ही हट गया, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर गैप आ गया ठोकते, ये बड़ा हो गया। अब हल्का सा इसको देखें, बिकॉज ये एंगल एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपका। लगाओ, ये हो गया एकदम एग्जैक्ट, अब ये कहीं नहीं जाने का। अब क्या करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे अपनी गन। पसीने आ गए, कोई बात नहीं, बिकॉज फैन मैंने एकदम कम करा हुआ है वॉइस के चक्कर में ना, क्योंकि आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आएगी, नॉइज़ आ जाएगी बहुत सारी। अब हम क्या करेंगे, गन लगाएंगे। देखो ये है थोड़ा सा पुराना स्ट्रेचर, पुराना लाइक इतना पुराना भी नहीं, तो अभी इसमें आप ऑलरेडी स्टेपल देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें स्टेपल कर लेता हूँ उधर की तरफ, और स्टेपल करने के लिए यहाँ पर हल्का सा ओके, अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। जो हमने 90 डिग्री का जो एंगल बनाया था वो हो गया फिक्स। तो ये सब चीजें भी आप, ठीक है। और इस गन को बड़ा ध्यान से आपको इस्तेमाल करना, ये नहीं कि ऐसे करके चला लिया, समझ गए ना भाई। देखो हंसी मजाक चलती रहती है कॉलेजों में, और तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि किसी को हार्म पहुंचे, ओके। आ
आ जाओ इधर। सॉरी तो स्ट्रेचर अब ये हमारा रह गया थोड़ा सा, एकदम हल्का सा पीछे होना। ये हमारी लास्ट पिन, ठीक है, ये हो गया अपना रेडी। और कोई पिन अगर ऐसे हल्की सी उठी हुई हो जाए, जैसे मिल जाए तो हल्का हल्का से उसे, ये जो मैंने स्टेप जो ये स्ट्रेचर है ना बैक साइड से, ठीक है, ये बैक साइड है कैनवस जहां पर स्ट्रेच। अब आप देखो ये हो चुका है रेडी। हाँ मेहनत, एक मिनट थोड़ा सा पानी देना। हाँ कोई कर दे। तो ये हमारा रेडी हो गया स्ट्रेचर, पानी पी लो, वेट अ मिनट। तो गाइज ये देखो हो गया रेडी स्ट्रेचर, और इसका साइज मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 3 फीट, 3x5 है, 4 सॉरी, ठीक है ना, 4 हो गया, ओके। अब क्या इसके ऊपर आप कैनवस अपना स्ट्रेच कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो मुझे लगा कि ये वाली बात आप लोगों को बतानी चाहिए। मुझे मोस्टली जो हैं स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आता है कि स्ट्रेचर कैसे हम असेंबल करें। और सेम है जिसको निकालने का भी तरीका यही है, ये नहीं कि आपने एक कोना निकाल दिया, नो बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। आपने पहले सबसे पहले पिन निकालनी है, पिन जो है आपकी ये, इसको यूज़ करेंगे आप ऐसा प्लायर, ठीक है, इस प्लायर से आप निकाल सकते हैं पिन, ठीक है। और फिर पहले सारे पिन्स इसकी निकलेंगे, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ से इसको हिट करना है, थोड़ा 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 थोड़ा, यानी कि पहले एक तरफ निकाल दिया, नो अगर ऐसा करोगे तो ब्रेक हो जाती है, जो इसके अंदर ये होता है ना पतली पतली सी लकड़ी है जो ये बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है, खांचे टाइप के, ये सारे टूट जाते हैं। तो एक हो गया हमारा स्ट्रेचर रेडी, अब इसके ऊपर क्या कैनवस स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन नॉलेज आपको मेरे को लगता है कि मिली होगी बिल्कुल, और आप ये चीज़ यूज़ करिए अच्छे से। देखो ये दिख रहा है ना आपको अंदर की तरफ स्लांटिंग। अब जो कैनवस स्ट्रेच होगा ना, ऊपर से दिखाओ बच्चों को, तो देखो जैसे हम कैनवस इस पर स्ट्रेच करेंगे, यहाँ गैप दिखाई दे रहा है ना आपको, तो हम पेंटिंग करेंगे तो ये टच नहीं होगा उससे, समझ गए, तो कैनवस टच नहीं होगा वुड से। तो ये अच्छे स्ट्रेचर्स की क्वालिटी यही है कि अंदर की तरफ देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर की तरफ क्या कर्व है, अच्छे क्वालिटी वाला, और इधर की देखो एकदम फ्लैट है यहाँ पर, समझ गए। तो इस तरीके से होता है बढ़िया, और अगर हो सकेगा तो मैं जो है लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी मेरे पास मटेरियल मुझे पता होगा अवेलेबल होगा तो आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा तो मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाएगी, बच्चों को बेचारों को नहीं समझ आ पाता है, और जो है वो ख़रीदते हैं स्ट्रेचर, उन्हें हटा लिया, हटाते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं, स्ट्रेचर स्ट्रेनर में क्या फ़र्क होता है। तो क्योंकि देखो स्टूडेंट होते हैं, इतना मनी भी नहीं होता उन लोगों के पास में, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, उनको हेल्प हो जाएगी। वो बुलाते हैं पर्सनली बाहर से कि भाई मेरा स्ट्रेचर इसको फिक्स करके चले जाओ, तो वो पैसे भी चार्ज करते हैं। तो ईजिली आप अपने घर पर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स या अपने भाई बहनों का सपोर्ट लेके आप इसको ईजिली कर सकते हैं। कॉलेज में अगर आप कैनवस कोई कर रहे हैं और आपको फिर घर ला के भी करना है, क्योंकि नहीं हो पाता पूरा वो कैनवस, तो आप उसको खोल के ले आए और घर पर जस्ट जब कंप्लीट हो जाए वो कैनवस, फिर उसको ले जाके और वहाँ पर दोबारा असेंबल करके स्ट्रेच कर दिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।